प्यारे छात्र एवं छात्राओं, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके YouTube चैनल BSB स्टडी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर आम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। साइंस चैप्टर का क्या है, ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये हमारा टॉपिक है आम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। तो आम्ल क्षार एवं लवण के बारे में इसमें क्या करना है, पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। और ये हमारा क्या फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी न कर दे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, ठीक है, उसके बाद क्षार के बारे में, उसके बाद लवण के बारे में। जैसे आपसे पूछा जाए कि अम्ल किसे बोलते हैं, ठीक है, क्षार किसको बोलते हैं, या फिर आप लोग एट क्लास में बोले थे ना कि जो एट क्लास का टॉपिक है वो क्या है, रिलेट करता है टेंथ क्लास से, ठीक है, और नाइन्थ होता है जो इलेवन क्लास से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, मतलब टॉपिक मिलता जुलता है। तो आप लोग अगर जैसे आपसे ही पूछ दिया जाए कि बोले हो कि क्षार किसको बोले, या पूछ दिया जाए कि अम्ल किसको बोले, तो हम लोग क्या बोलते थे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसको क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। इस तरह से क्या करते हैं, बोलते हैं ना, मतलब अपना अपना क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं। जो उसी तरह से क्षार में क्या होता है, क्षार क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, कड़वे होते हैं, उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर लवण पूछ दिया तो क्या होता है, वो उदासीन होते हैं, मतलब वो क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब उसका जो पीएच मान होता है, लवण क्या होता है, नमकीन लगता है, और उसका पीएच मान क्या होता है, 7 के आसपास होता है, ठीक है, या फिर उसको क्या मतलब 7 मतलब क्या बोलते हैं, 7 वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे पीएच स्केल रहता है ना, पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, उदासीन मानते हैं, इधर क्या होगा, अम्ल हो गया, और इधर को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग बोलते हैं, ठीक है, और यही सब क्या होगा, पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो कुछ कुछ जैसे अम्ल है, ठीक है, क्योंकि जैसे मान के चलो कि प्रकृति में जितना ही पदार्थ है सब क्या है, अम्ल है या फिर क्षारीय है, ठीक है, लगभग जितना पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। अब सब चीज़ को टेस्ट करके तो नहीं बताएंगे, ठीक है, मान के चलो कि आपके मान के चलो कि ग्राहक आ गया, ठीक है, बोला कि हमको अम्लीय कोई पदार्थ दो, ठीक है, तो उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके थोड़ी दे सकते, या फिर मान के चलो कोई केमिकल है, ठीक है, कोई केमिकल, ठीक है, और जैसे मान को वो जहरीला हो तो उसको चेक करके देखेंगे ये अम्लीय है कि क्षारीय है, ऐसे पता नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं को क्या किया, मतलब सॉल्यूशन करने के लिए विभिन्न रसायन शास्त्रियों ने क्या किया, अपना मत दिए, जिसमें से हमको पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है क्या, अरहेनियस सिद्धांत, ठीक है। बहुत से रसायन शास्त्री ने क्या क्या अपना योगदान दिए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को टेंथ क्लास में क्या पढ़ना है, अरहेनियस का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या करते हैं, टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं अरहेनियस के अनुसार। तो अरहेनियस के अनुसार अम्ल किसको बोलते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं अरहेनियस। अरहेनियस क्या था, एक वैज्ञानिक था अरहेनियस, ठीक है, अरहेनियस, ठीक है। इनके अनुसार अगर पूछा जाए तो अम्ल किसको बोलेंगे, ठीक है, अम्ल किसको बोलेंगे, ये किनको कहे थे कि अम्ल होगा, ठीक है, और किनको बोलेंगे कि क्षार होगा, ठीक है। तो इनके अनुसार जो अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल जो होता है क्या होता है, अम्ल ये क्या बोले थे कि जो अम्ल होता है क्या होता है, कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है एच प्लस क्या देता है, आयन प्रदान करता है। कहने का मतलब है इनका जो अम्ल का क्या होता है, जलीय विलयन, ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होता है क्या, जलीय विलयन, ठीक है, क्या करता है, H प्लस क्या करता है, आयन प्रदान करता है, ठीक है, यानी H प्लस आयन प्रदान करता है। जैसे हम लोग क्या एग्जांपल लेते हैं, क्या जैसे HCl का क्या लेना है, जलीय विलयन, HCl क्या लेना है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक क्यों मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय, ठीक है। तो इसका क्या करना है, जलीय विलयन, तो इसका जो जलीय विलयन होता है क्या हमें देता है, H प्लस आयन प्रदान करता है, ठीक है, H प्लस क्या करता है, आयन प्रदान करता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड ले लो, H2SO4 लो, इसका भी क्या करना है, एक्वस फॉर्म लेना है, यहाँ भी क्या होता है, जलीय विलयन प्रदान करता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है कि टेंथ क्लास में अरहेनियस का सिद्धांत ही पढ़ना है, और NCERT बुक में, और इससे ज़्यादा क्या करता है, देता नहीं है। और भी रसायन शास्त्री क्या किए थे, अपना अपना मत दिए थे, ठीक है, जैसे अभी क्या लिए थे, पोटेशियम क्लोराइड ले रहे थे ना, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसमें तो एच है नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि ये क्या है, जल है, मतलब इसका क्या है, जलीय, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इसमें कैसे पता करेंगे इसका जलीय विलयन, एच प्लस आयन प्रदान करें, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, एच क्या है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, नहीं पढ़ना है, ये होता है स्टैंडर्ड लेवल, ये पढ़ना है कब, ये आपको पढ़ना मिलेगा ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा सा झलक, थोड़ा सा वहाँ भी थोड़ा सा झलक मिलेगा, जब आप लोग क्या करेंगे, BSc करेंगे, ठीक है, जब BSc करेंगे केमिस्ट्री से, तो वहाँ आपको पढ़ना है डिटेल से, ठीक है, वो होता है लुईस का सिद्धांत, उनसे पहले भी एक और साइंटिस्ट है ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी का सिद्धांत, ठीक है, तो वो सब क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है आपको, BSc करिएगा केमिस्ट्री से तब, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, अरहेनियस का सिद्धांत 10th क्लास में, ठीक है, अरहेनियस का सिद्धांत। तो अरहेनियस का सिद्धांत क्या कहता है कि अरहेनियस का सिद्धांत बोलता है कि अम्ल किसको बोलेंगे, जिसका जलीय विलयन क्या करे, हमें H+ आयन प्रदान करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। उसी तरह से क्षार बोला जाए तो क्षार किसको बोलेंगे, तो क्षार हमारा कहता है क्या कि क्षार है जो जलीय विलयन क्या देता है, OH+ आयन प्रदान करता है, जलीय विलयन। क्षार का जो जलीय विलयन होता है क्या करता है, OH+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है, क्या करता है, OH+ आयन, सॉरी OH- का आयन प्रदान करता है। तो वो होता है कि क्षार हो गया, जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो जलीय विलयन होगा ये क्या होना चाहिए, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक क्यूब, ये क्या होना चाहिए, एक क्यूब, एक क्यूब में क्या होता है, एक्वस, एक्वस में क्या होता है, जल के रूप में, ठीक है। तो इसका जो जलीय विलयन होता है हमें क्या देता है, OH- का आयन देता है। और भी क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी क्या करता है, जलीय विलयन, OH- क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या बोला जाए, ठीक है, क्या बोलता है अम्ल, क्या बोलता है अम्ल, अरहेनियस के अनुसार, अरहेनियस के अनुसार क्या कहता है, जिसका जलीय विलयन क्या करे, H+ आयन प्रदान करे, वो अम्ल है, और जो क्या करे, OH आयन प्रदान करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद क्षार के बारे में, उसके बाद जो बच्चे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नोट हो गया तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या कहता है कि क्षार के गुण, ठीक है, क्षार एवं अम्ल के क्या करेंगे, गुण पढ़ेंगे, ठीक है, क्या है, अम्ल के गुण और क्षार के गुण, ठीक है, साथ साथ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करें, बोले कि क्या पढ़ें, उसके बाद लवण के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्षार एवं अम्ल जो है वो क्या होता है, दूसरे का क्या है, एक दूसरे को क्या है, क्या बोल सकते हैं, उल्टा है, ठीक है। अगर क्षार स्वाद में क्या है, खट्टे है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण क्या है, क्षार का भौतिक गुण क्या है, उसके बाद रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला क्या कहता है कि देखो, अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भौतिक गुण है। जैसे यहाँ क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जो एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, इसको VVI प्रश्न बोल लीजिए, ठीक है, VVI प्रश्न, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, डायरेक्ट परीक्षा में, बिहार बोर्ड में आ जाता है। तो इसको क्या करिएगा, VVI क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन और छोड़ रहा है, सेब का भी शायद आ सकता है, लिख रहे हो, सेब में क्या था, मैं लिखा, ठीक है, चलो ठीक है। तो अम्ल हो जाता है, हम जो है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। उसी तरह से अगला पॉइंट बोलता है कि जो नीले लिप्पस्पात को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जो अम्ल होता है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है। और जो लिटमस पत्र होता है, सिरकोना नामक वृक्ष से प्राप्त, ये भी लिख लो, सिरकोना, ठीक है, ये जो सिरकोना नाम का एक क्या है, वृक्ष होता है, उसी से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, सॉरी नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, कौन, अम्ल, याद रखिएगा। फिर अगला कहता है कि जो अम्ल होता है जल में क्या होता है, विलेय होता है, जल में क्या करता है, आसानी से घुल जाता है। अभी तो जल का क्या होता है, क्या बोलता है, जल का जो, सॉरी एक मिनट, क्षार जो, सॉरी अम्ल जो होता है क्या, जलीय विलयन क्या करता है, अम्ल का जो जलीय विलयन क्या होता है, H+ आयन प्रदान करता है अरहेनियस के अनुसार, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है कि अरहेनियस के अनुसार, ठीक है, अरहेनियस के अनुसार अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट, दो नंबर में आता है, ठीक है, और दो नंबर में आता है। फिर अगला कहता है कि जल का, जल में क्या होता है, विलेय होता है, अम्ल जल में क्या होता है, विलेय होता है। इसका जो pH मान होता है क्या है, 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से क्या होता है, कम होता है। उसी तरह से क्षार में आ जाओ, क्षार क्या कहता है, क्षार का जो भौतिक गुण होता है, पहला भौतिक गुण क्या कहता है, स्वाद में तीखा एवं कड़वा होता है, जस्ट इसका क्या उल्टा होता है, ये खट्टा होगा, ये तीखा होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, नीले निष्पत्र पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, ये लाल को क्या करता है, ये नीले, एक मिनट, लाल को ये क्या कर देगा, नीला कर देगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये क्या करता है, नीले को लाल कर देता है अम्ल, ठीक है, और ये क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, ठीक है।
अगला क्या कहता है, रंगहीन एवं गंधहीन होता है, गंधहीन ठीक है, मतलब इसमें कोई गंध नहीं होता है, रंगहीन होता है। क्षार जो होता है क्या होता है, रंगहीन होता है, और प्लस में क्या होता है, गंधहीन होता है। लेकिन ये जो है क्या, ये NH3OH ये क्या है, अपवाद है ठीक है, क्योंकि देखा जाता है तो हर क्लास में क्या होता है, कोई ना कोई बंचर हो गया करता है ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, अपवाद है, जैसे तत्व में क्या है, कुछ अपवाद है ना, वहाँ लोग तत्व के बारे में जब पढ़ेंगे, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण शायद चौथा या पाँचवा चैप्टर वही है, उसमें भी हम लोग क्या है बहुत सारा अपवाद पढ़ने वाले हैं। तो ये रंगहीन एवं क्या होता है, गंधहीन होता है, गंधहीन होता है। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है कि इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध पाया जाता है, लेकिन जो बाकी जो क्षार होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। फिर अगला कहता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, बताए थे ठीक है, स्टार्टिंग में ही बोले थे कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। और यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आया था, क्वेश्चन किस तरह से आता है कि चार को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि क्षार का पीएच मान, क्षार अम्ल का लिख देगा, अम्ल का पीएच मान निम्न से हो, दे देगा 2, 7, 8, 9। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो 2 वाला सही हो जाएगा। अधिकांशता क्षार जल में विलय होते हैं, यहाँ देखो लिखे अधिकांशता ठीक है, अधिकांशता कहने का मतलब है कि सभी क्षार जल में विलय नहीं होते। मान के चलो कि क्या है कि अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 10 वो क्या है, क्षार है ठीक है, तो उसमें से हो सकता है कि 7 क्षार या फिर 8 क्षार क्या हो, जल में विलय हो, लेकिन कुछ 2 क्षार वैसे हो जो जल में विलय नहीं। ये क्या है, नंबर मान है ठीक है, नंबर मान है, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षार क्या होता है, जल में विलय होते हैं, कुछ क्षार, सॉरी कुछ क्षार जल में विलय नहीं होते, मतलब मान के चलो कि जैसे मान के चलो 80% से 90% क्या है कि जो क्षार है क्या होता है, जल में विलय है, लेकिन वही अगर 10 से 20% मान लो कि क्या है, क्षार जल में विलय नहीं होता, तो इसलिए लिखा है अधिकांशतः क्षार जल में क्या होता है, विलय होता है। ये क्या हुआ, इसका भौतिक गुण, किसका, अम्ल का भौतिक गुण, क्षार का भौतिक गुण। तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, पूछ देगा इस तरह से कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, तो आप लोग क्या करिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा कि अम्ल का ये होता है, क्षार का ये होता है, उसके बाद आपको नंबर मिल जाएगा ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया मिला जुला के लिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको क्या करिए, नोट करिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं रासायनिक गुण की तरफ ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण ठीक है। तो देखो पहला जो रासायनिक गुण कहता है अम्ल का क्या बोलता है ठीक है, देखते हैं, कहता है जो अम्ल होता है क्या होता है, विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है, कहने का मतलब है इसमें करंट क्या होता है, आसानी से आर पार जा सकता है ठीक है अम्ल में। फिर अगला कहता है कि यह धातु का क्या होता है, अभिक्रिया कर H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है ठीक है। जैसे हम क्या ले, एक अम्ल ठीक है, मान के चलो HCl ही लेते हैं ठीक है, HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, धातु से ठीक है। तो धातु से मान के चलो कोई भी धातु ले लो, जिंक ले लो या फेरस ले लो, चलो जिंक ले लेते हैं ठीक है, या फिर फेरस भी ले सकते हैं, या फिर मान के चलो फेरस से रिएक्ट कराते हैं इसको ठीक है, HCl को। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्या बोल रहा है कि H2 गैस मुक्त करता है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, जिंक का क्लोराइड बनाएगा, और प्लस के क्या करेगा, H2 गैस क्या करता है, मुक्त करता है ठीक है। उसी तरह से HCl को यदि हम फेरस से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या बनेगा, फेरस का क्या होगा, क्लोराइड, और प्लस का क्या, H2 गैस मुक्त करेगा ठीक है। फिर अगला कहता है कि धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, जो अम्ल होता है क्या होता है, धातु के ऑक्साइड से ठीक है, धातु के ऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं, ले लो क्या, धातु क्या होना चाहिए, ऑक्साइड होना चाहिए, जैसे सो एक अम्ल लो, क्या लो, क्या लेते हैं, HCl ही लेते हैं ठीक है, HCl ही ले लेते हैं, HCl क्या है, एक अम्ल है ठीक है, और इसको रिएक्ट करते हैं किससे, धातु के ऑक्साइड से, किसके, धातु, तो सोडियम क्या है, धातु है, और इसके ऑक्साइड ठीक है, OH क्या है, ऑक्साइड है, तो इसको रिएक्ट कराओ, तो रिएक्ट कराने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, अभिक्रिया कर क्या कहता है, लवण बनाता है ठीक है। तो देखो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इससे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमको NaCl ठीक है, NaCl और प्लस के H2O, प्लस के H2O, H2O यहाँ लिख लो, जल भी मिलता है ठीक है, जल भी लिख लो, लवण एवं, यहाँ लिख सकते हो लवण एवं क्या बनाता है, जल ठीक है, लवण एवं क्या बनाता है, जल। जैसे क्या ले, और भी एग्जांपल ले सकते हो ठीक है, जैसे मान के चलो सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या है, एसिड ही है ना, अम्ल है,
इसको भी रिएक्ट कराते हैं क्या धातु का ऑक्साइड से, क्या ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या लेते हैं हाइड्रोक्साइड, ये क्या है धातु के ऑक्साइड है। मैग्नीशियम क्या है, सॉरी एम जी होता है, ये मैं लिख दिए। एम जी क्या है, एम जी क्या है धातु है मैग्नीशियम, और इसका हाइड्रोक्साइड यानी ऑक्साइड जो क्या करें अभिक्रिया कराओ अम्ल से, तो यहाँ से क्या बनेगा हमको, तो यहाँ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा मैग्नीशियम का सल्फेट एम जी एस ओ फोर, और प्लस का क्या मिलेगा एच टू ओ, क्या मिलेगा एच टू ओ। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सल्फेट क्या है, एक प्रकार का लवण है, लवण में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला क्या कहता है कि जो जलीय विलयन होता है एच प्लस आयन प्रदान करता है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है एच प्लस आयन, स्टार्टिंग में ही बताएं, और यही क्या है परिभाषा भी है। ठीक है, यही क्या है परिभाषा भी है लवण का, कि लवण आर्हेनियस क्या बोले थे, आर्हेनियस जो महोदय थे आर्हेनियस रसायन शास्त्र क्या बोले थे कि जो जल होता है क्या होता है, सॉरी जल कहते हैं, जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है क्या करता है एच प्लस आयन प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। अब आते हैं क्षार की तरफ, क्षार की तरफ पढ़ते हैं, तो क्षार हमारा क्या कहता है कि धातु के धातु से अभिक्रिया कर क्या करता है एच टू गैस मुक्त करता है, इसमें भी क्या करेगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे एग्जाम्पल लो क्या लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रिएक्ट कराते हैं किससे कोई भी धातु से, चलो जिंक ले लेते हैं, ठीक है जिंक ले लो, या फिर एल्युमिनियम भी ले सकते हो कोई भी। तो कहता है कि देखो जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा एच टू गैस मुक्त करता है, तो ये अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, देखो जिंक तो सोडियम का क्या हो जाएगा जिंकेट यहाँ से बन जाएगा एन ए टू एन ए टू जेड एन जेड एन ओ टू, ठीक है एन ए टू, हाँ ठीक है। और प्लस के क्या करेगा एच टू यहाँ से क्या करेगा मुक्त कर जाएगा, ठीक है ये क्या करेगा सोडियम का जिंकेट है, ठीक है सोडियम का जिंकेट है, तो यहाँ से क्या करता है एच टू गैस मुक्त करता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ एल्युमिनियम भी रख सकते हैं, मैग्नीशियम भी रख सकते हैं, ये सब क्या है धातु है, ठीक है फेरस भी रख सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है लवण एवं जल बनाता है। जैसे हम मान के चलो एक क्षार लेते हैं, ठीक है क्षार ले लो क्या एन एच टू एस ओ फोर सॉरी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको रिएक्ट कराओ किससे सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो कैसे रिएक्शन करने के लिए भी क्या क्या हैं बताए हैं, नहीं समझ में आता तो क्या करना है इसमें सबसे प्लस माइनस क्या करना ढूंढना है, ये क्या नेगेटिव होगा इसमें ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो ये जो पॉजिटिव है किसके साथ नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है इस तरह से करता है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना ये मैग्नीशियम का सल्फेट, ठीक है और ये क्या होता है लवण होता है मैग्नीशियम का सल्फेट, और ये क्या कर बनाएगा एच टू ओ, ठीक है एच टू ओ प्लस के यहाँ से बनाएगा एच टू ओ। अब इसको क्या कर सकते हैं बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए बताएं। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम एक, ठीक है ऑक्सीजन यहाँ कितना है दो है, ठीक है ये क्या पूरा का क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है तो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ दो और यहाँ चार कितना होगा छः, यहाँ चार है और यहाँ कितना है सिंगल है, इसको क्या करो दो से गुना करो तो दो ऑक्सीजन और चार क्या होगा यहाँ से चार यहाँ दो यहाँ छः हो गया। अगले आगे आते हैं हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन क्या है दो है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है दो है चार है, तो हाइड्रोजन यहाँ दो दो कितना हो गया चार हो गया, बैलेंस हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। बैलेंस करने के लिए बताएं किस तरह से किया जाता है, ठीक है जो बच्चा क्या उस चैनल पर तो क्या क्या है क्लास नहीं कर पाया उस वीडियो का क्या करूँगा लिंक दे दूँगा, या फिर क्या करूँगा सभी जो क्लास है साइंस का उसका क्या करूँगा पीडीएफ बना दूँगा, सॉरी पीडीएफ का प्ले लिस्ट बना दूँगा, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि क्षार का जलीय विलयन क्या करता है ओएच आयन प्रदान करता है, ठीक है और ये क्या है अर्हेनियस का क्षार का परिभाषा भी, जिस तरह से इसमें क्या है कि एच प्लस आयन यहाँ करता है ओएच आयन प्रदान करता है। फिर अगला क्या होता है कि क्षार विद्युत का क्या होता है सुचालक होते हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हो, ठीक है बताए भी थे क्या बताए थे, ठीक है क्षार जो क्या कहता है क्षार का क्या जलीय विलयन, जैसे सोडियम क्या लो हाइड्रोक्साइड ले, ठीक है और इसमें क्या करेंगे इसका क्या लेना एक्वस फॉर्म जलीय विलयन, तो ये क्या करेगा एन ए का प्लस और ओ एच का क्या करेगा माइनस प्रदान करेगा। उसी तरह से अम्ल में लेंगे, ठीक है मान के चलो यहाँ एच सी एल का ही क्या करते हैं एक्वस फॉर्म लेते हैं, ठीक है एक्वस फॉर्म लो, तो इसको जब होगा रिएक्शन, ठीक है तो ये क्या करेगा एच प्लस और प्लस सी एल का क्या माइनस क्या करेगा देगा, ठीक है तो ये क्या करें हमेशा क्या है एच प्लस आयन और यहाँ ओ एच माइनस आयन क्या करता है प्रदान करता है, ठीक है यही बोले थे अर्हेनियस वहाँ से। क्षार विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं, अम्ल भी विद्युत के सुचालक होते हैं और क्षार भी क्या होता है विद्युत के सुचालक होते हैं, तो इसको क्या करिए नोट करिए। तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, चलो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है तो प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, ठीक है
तो क्या बोलते हैं इसको कि वैसा अम्ल है। कैसा अम्ल? वैसा अम्ल जो क्या कहता है जल में पूर्णता घुल कर, जो क्या जल में क्या पूर्णता घुल कर क्या करे, H+ आयन प्रदान करे। ठीक है, H+ क्या करे, आयन प्रदान करे, या फिर बोल सकते हैं मुक्त करे। H+ आयन क्या होता है, जल में क्या होना चाहिए, पूर्णता घुल जाना चाहिए। जल में क्या है, पूर्णता घुल कर क्या करे, H+ आयन क्या करे, प्रदान करे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबलम। जस्ट उसी तरह से ये भी है क्या, प्रबल छात्र। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करें, साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि समझ में आ जाए जल्दी। ठीक है, और समय भी बचे। ठीक है, प्रबल छात्र किसको बोले, जो क्या करे कि जल में घुल कर पूर्णता, जो जल में पूर्णता घुल कर क्या करे, OH- आयन। ठीक है, OH क्या करे, आयन प्रदान करे। ठीक है, OH- का आयन, ठीक है, मतलब ऋणात्मक आयन क्या करे, प्रदान करे। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, जो क्या करे जल में घुल कर H+ आयन, पूर्णतः H+ आयन, इसको क्या करो आगे लिखो, इसको यहां लिखते हैं जल में पूर्णतः घुल कर H+ आयन प्रदान करे। ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, प्रबल अम्ल कल किसको बोला, प्रबल अम्ल वैसा अम्ल है जो क्या करता है जल में घुल कर, जो इसका अम्ल क्या करता है जल में घुल कर H+ आयन क्या करे, पूर्णतः जल में घुल, यानी पूरी तरह से क्या हो, जल में घुल जाए अम्ल, और वहां से हमको क्या मिले, H+ आयन प्रदान करे, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रबल अम्ल। ठीक है, उसी तरह से प्रबल क्षार किसको बोल रहे हैं, जो क्या करे, जो वैसा क्षार, ठीक है, वैसा क्षार जो जल में घुल कर क्या करे, पूर्णतः OH- आयन। ठीक है, यानी ऋणात्मक आयन क्या करे, प्रदान करे। ठीक है, प्रदान करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल क्षार। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत सारा है। ठीक है, इसी तरह से क्या करें, इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4HNO3। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल किसको बोले, तो क्या जो अब यहाँ देखो ये क्या है, पूर्णता है। ठीक है, ये पूर्णतः घुल कर, लेकिन यहाँ क्या होगा, आंशिक रूप से। ठीक है, आंशिक रूप से क्या करेगा, जल में घुलेगा। ठीक है, जो क्या करे जल में घुल कर आंशिक रूप से, जो जल में आंशिक रूप से घुल कर वैसा अम्ल, ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुल कर, आंशिक रूप से घुल कर H+ आयन क्या करे, प्रदान करे, क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे हम लोग क्या कर लेते हैं, एसीटेट। ठीक है, ये क्या है, ऑक्जैलिक एसिड, C2H2O4। ठीक है, ऑक्जैलिक एसिड जो क्या आते, जो क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, क्या है, दुर्बल क्षार है, और ये क्या है, एसीटेट। ठीक है, जैसे टार्टरिक एसिड भी हो जाता है C2, उसका क्या होता है, उसका हो जाता है उसका हो जाता है CO H2O6 हो जाता है, C6H6O6 हो जाता है। ठीक है, CO4H6H6O6 हो जाता है, वो कहता है टार्टरिक एसिड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या आता है, प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार हो गया, दुर्बल क्षार की तरफ आते हैं। अब दुर्बल क्षार सेम इसी तरह से होगा, यहाँ क्या आंशिक रूप से क्या करता है, H+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेगा, OH आयन क्या करेगा, प्रदान करेगा आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जो क्या करेगा, वैसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से घुल कर क्या करे, OH आयन प्रदान करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है। क्लियर हो गए, समझ गए, इसको क्या करिए, नोट करिए, नोट हो के उपयोग की तरफ। ठीक है, आगे हमारा बोलता है कि अब अम्ल का उपयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले पहला कहता है कि घर की पुताई में, ठीक है, घर में जो पुताई होता है, पेंट जो बनता है, ठीक है ना, पेंट जो होता है, उसमें जो क्या किया जाता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल का उपयोग, वो किसी भी तरह का क्या हो, अम्ल हो सकता है, या अब क्षार का, पहले अम्ल का देख लेते हैं, उसके बाद क्षार का देखें। फिर क्या कहता है कि पेंट बनाने में, ठीक है, पेंट जो फैक्ट्री में बनता है, जो पेंट होता है, उसमें क्या होता है, अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, पाचन क्रिया में क्या होता है, अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग का पेट में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसमें क्या होता है, पेंट का, सॉरी, पाचन में क्या होता है, सहायक करता है, तो क्या बोल सकते हैं कि अम्ल का उपयोग होता है पाचन की क्रिया में। अगला कहता है कि बाथरूम साफ़ करने में, जो घर में जो क्या होता है कि आपके घर में भी होगा, ठीक है, जो बाथरूम साफ़ करने में, ये सब टाइल्स क्लीनर जो होता है, टाइल्स क्लीनर
हो गया, फिर या बोल सकते हैं हार्पिक जो ये सब होता है, ये सब क्या होता है, अम्ल का ही बना हुआ रहता है, ठीक है। और अम्ल क्या होता है, हानिकारक भी होता है, ठीक है। तो बाथरूम साफ करने, संचायक बैटरी में, संचायक बैटरी जैसे संचायक बैटरी मतलब जो बैटरी घरों में यूज होता है, उसमें क्या डाला जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका उपयोग है, और भी क्या एक्सेट्रा लिख दें इत्यादि, मतलब अम्ल का उपयोग और भी जगह क्या होता होता है, ठीक है। उसी तरह से आप क्षार का उपयोग, ठीक है, क्षार का उपयोग क्या होता है, सीमेंट के उद्योग में, सीमेंट जहाँ बनता है वहाँ क्या होता है, क्षार का उपयोग होता है, ठीक है। क्षार का उपयोग क्या है, जैसे कैल्शियम बताया ना, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, ठीक है, क्षार है। तो उसका क्या उपयोग किया जाता है, सीमेंट बनाने में, पेंट बनाने में, पेंट बनाने में क्षार का भी उपयोग होता है और अम्ल का भी होता है, ठीक है। दवाई बनाने में, तो दवाई बनाने में भी क्षार और अम्ल दोनों होता है। देखो यहाँ नहीं लिखे हैं दवाई बनाने में, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, दवाई बनाने में भी क्या होता है, अम्ल का भी उपयोग होता है और क्षार का भी उपयोग होता है। कुछ दवाई क्या होता है, देखा खाते हैं तो क्या बहुत कड़वा लगता है, कुछ दवाई क्या अलग खाने में मीठा लगता है, तो वो सब क्या है, पता चलता है कि ये क्षारीय गुण है और अम्लीय गुण भी होता है। अगला कहता है कि साबुन, ठीक है, साबुन और सरफ जो होता है, साबुन सरफ, देखिए क्या होता है, मतलब कभी कभी देखो जैसे साबुन लगाते हो मुंह में चला जाए, ठीक है, तो कैसा लगा, लगता है क्या, कड़वाहट ही होती है इधर की तरफ। और उसका प्रॉपर्टी होता है, क्षार का प्रॉपर्टी भी है, गुण भी है क्या, कि क्षार क्या तो स्वाद में कड़वे और तीते लगते हैं। तो क्या बोल सकते हैं साबुन में, या फिर लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसका क्या होता है सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा लिख दें इत्यादि, मतलब ये सब क्या है, समझाने के लिए दो चार एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCO2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, लिख सकते हैं कि ये किसका सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग 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 एक मिनट, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में भी होता है, ठीक है। फिर अगला कहता है घरों की पुताई में, तो घर का जो पुताई होता है उसमें भी क्या होता है, क्षार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यही सब क्या करना था, पढ़ना था, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षार क्या है, अम्ल क्या है, इसके बारे में, अम्ल किसको बोलेंगे, क्षार किसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या क्या, उसका भौतिक प्रॉपर्टी, रासायनिक प्रॉपर्टी, उसके बाद उसका उपयोग, और फिर क्या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में क्या करें पढ़े। तो यहीं पर क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे, और अभी भी कुछ बच गया, ठीक है ना, थोड़ा सा कुछ टॉपिक बच गया आप लोग छाड़ में, तो उसको क्या करें अगले क्लास में, क्या ये क्लास थोड़ा क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी जो बच गया उसको बता देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, लवना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।